जो मैंने आपको ना सनरूफ बहुत बड़ा है, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट इट फ्रॉम द इनसाइड, कितना बड़ा सनरूफ है इस गाड़ी का डूड। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन, कैसे आप लोग सब आज? दोस्तों आज एक बहुत ही इमोशनल वीडियो मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने पहली गाड़ी चलाई थी वो थी टाटा की सियरा, और आज जब हमने देखी है टाटा की सियरा कमिंग बैक विद अस, ये एक बहुत ही प्यारा मोमेंट बन गया हमारे लिए। जस्ट लुक एट द थिंग। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि ये गाड़ी कब आएगी, कैसे दिखती है, फीचर्स एक्सेट्रा सब कुछ, एंड अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये वीडियो बहुत ही डिटेल रहने वाला है, इसको पूरी तरह देखिए आप लोग। चलो लेट्स स्टार्ट विद द कार। ओवरऑल जब आप इसका फ्रंट डिजाइन देखते हैं, आप पहली चीज क्या नोटिस करते हो कि ये बहुत ही स्ट्राइकिंग इसको फ्रंट मिलता है। तो अब टाटा की सारी गाड़ियों में आपने ये चीज देखी होगी कि इसकी जो लाइट है वो सॉर्ट ऑफ वन पीस बन जाती है, एक कनेक्टिंग डे टाइम रनिंग LED आ जाता है इसको, प्लस इसमें ऐसा दिखा है कि इसका ग्रिल किस जगह आपको लोगो जो है इज ग्लोइंग। ओके, अंडरनीथ देखेंगे तो ये रहा आपका लाइट वन पार्ट, एंड इसके और नीचे आपके पास आ जाता है एक और एक एलिमेंट जो फिलहाल शायद लाइट ऑफ लग रही है ऐसे हमें। सो दैट्स व्हाट इट इज ऑफरिंग राइट नाउ, इट्स अ कॉन्सेप्ट कार। लगभग 80-90% इसका डिजाइन रेडी है फॉर फाइनल प्रोडक्शन। तो ये रहा इसका फ्रंट, बहुत ही अमेजिंग। लेट्स मूव ऑन टू द साइड। आ जाइए, यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देखोगे, एक एक करके सारी एक्सप्लेन करूंगा, सो यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पहली चीज चालू करते हैं विद द टायर। अब यहाँ पे टायर साइज, ऑफ कोर्स इट्स अ कॉन्सेप्ट का, तो बड़ा टायर दिखाएंगे, इट्स अ शो बिजनेस कार राइट, सो इस वजह से यहाँ बड़ा टायर दिया गया, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17 इंचेस व्हील्स अप्रोक्सीमेटली जो आपको इस SUV में दे दिए जाएंगे। देन वी मूव ऑन टू द अदर एलिमेंट्स। यहाँ जो डोर हैंडल्स है दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक इन टू द कार, मतलब बॉडी के अंदर चले गए, इसे एरोडायनामिक बढ़ती है, इलेक्ट्रिक कार है तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल एक्सपेक्ट दैट थिंग्स राइट। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि .EV की बैजिंग भी आ गई है, प्लस आप ये नोटिस करो कि ये जो पैच है ना ये काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब सियरा जानी जाती थी अपनी 2-door डिजाइन के लिए राइट, तो ये पार्ट जो था वॉज एक्चुअली नो डोर, बट अब यहाँ पे आपको डोर आ गया है एंड यू हैव एक्सेस टू द सेकेंड डोर जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। ओके, और ये चीज इन्होंने डिफ्रेंशिएट की है कि ये एलिमेंट जो यहाँ दिया हुआ है ना इज एक्चुअली समथिंग डिफरेंट, एंड मुझे इसे थोड़ा डाइजेस्ट करने में समय लग गया। रूफ रेल्स आपको इसमें ऊपर आ जाते हैं विच इज प्रीटी गुड, एंड थोड़ा स्पोर्टी लुक दे रहा है। अच्छा, बाय द वे सनरूफ भी है इस गाड़ी को, स्टार्ट फ्रॉम हियर ओके, और वो यहाँ तक पीछे चली जाती है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैक। ओवरऑल जैसे फ्रंट में हमने देखा लाइट्स कनेक्टेड है, उसी तरीके से टेल में भी ये लाइट्स कनेक्ट हो रही है एज अ सिंगल पीस, देख लीजिए एक बार। आज हम आपको ये पूरा वीडियो ना एकदम अच्छे से दिखाने वाले, जैसे आपको समझ में आए क्या क्या है, आपको यहाँ पे अगेन सेम लोगो मिल जाता है। और जो इसका स्पॉइलर है आप नोटिस करोगे कि काफी बाहर आगे तक इंट्रूड कर रहा है। ओके, एंड आप नोटिस अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ सियरा की बैजिंग ली हुई है बहुत ही सटली, देखा। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें आपको दिखानी है। सो अब सेकेंड रो पहले दिखाते हैं आपको इस गाड़ी का। यहाँ पे अगर आप आते हो आप नोटिस करोगे कि बहुत जगह है गाड़ी के अंदर पीछे, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, वो इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार है तो बॉनेट छोटा हो जाता है, जिस वजह से गाड़ी के अंदर काफी जगह फ्री अप हो जाती है। सो अगर आप पीछे बैठ के जाने की सोच रहे हो ना कार, आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रीमियम एंड स्पेशियस कार अगर आप पीछे बैठने वाले हो। और जो मैंने आपको ना सनरूफ बहुत बड़ा है, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट इट फ्रॉम द इनसाइड, कितना बड़ा सनरूफ है इस गाड़ी का डूड, लाइक यू विल लव इट। और ये जो हेडरेस्ट है, ऑफ कोर्स ये मेरे हिसाब से ये नहीं रहने वाला है फाइनल, बट इसमें भी छोटे मोटे चेंजेस आ जाएंगे और आपको नॉर्मल सीट्स यहाँ मिल जाएंगी, क्योंकि ये ज्यादा शोशा होता है तो थोड़ा होता है। फिर आप यहाँ नोटिस करोगे कि आपके पास यहाँ पे एक लाइट दी हुई है, देखा, एक लाइट दी हुई है बहुत प्यारी सी। अगेन दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट, तो ये सब नहीं आएगा, बट जो चीज रहेगी वो रहेगा इसका फ्लैट फ्लोर। आप नोटिस करो फ्लोर पूरा फ्लैट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक कार है तो इसमें जो बैटरी है वो नीचे है, तो इस वजह से आपको कुछ बीच में टनल नहीं आएगा। और एक बार डोर देख लीजिए, डोर भी बहुत प्यारा लग रहा है इस गाड़ी का,
दिस इज नॉट व्हाट विल कम कि आपको पत्ते वगैरह नहीं आएंगे गाड़ी के अंदर. सो जस्ट सी दैट पार्ट एंड रिमेम्बर कि ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज सो नाइस एंड प्रीमियम लुकिंग. अब जो चीज आपको और पसंद आएगी वो है इसका फ्रंट, और लेट मी शो यू दैट. अब हम आ गए ऑन द फ्रंट सीट. यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है. आपके पास दो स्क्रीन्स हैं विच आर सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड बट नॉट कनेक्टेड. मतलब ये है तो एक ही यू नो पैनल कंप्लीटली, बट दे डोंट सीम कनेक्टेड क्योंकि यहाँ पे एक आपको इंटरफेस दिया हुआ है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसमें आपको टच स्क्रीन सिस्टम आएगा एंड एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें आ जाएगा. स्टीयरिंग व्हील भी नए स्टाइल का दिया हुआ है इस गाड़ी में. इसमें आपको ADAS टेक्नोलॉजी वी आर एक्सपेक्टिंग एंड लॉट मोर थिंग्स. क्रूज कंट्रोल के अलावा आपके पास यू हैव मोर थिंग्स टू ऑफर इन दिस गाड़ी. और अब जो आप नोटिस कर रहे हो कि बहुत क्लीन डैशबोर्ड है. ऐसे नहीं है बटन 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 बटन, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. इट्स क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन. बट नीचे है यहाँ पे आपको एक टच इंटरफेस दिया हुआ है जिसे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड साथ में अगर आपका बर्थडे हुआ या कुछ हुआ, यू नो यू गेट एनी अपडेट, तो ये कस्टमाइजेबल स्क्रीन है. ऑन द एयर अपडेट्स आते रहेंगे. अब जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की तो इट से वेलकम अबॉर्ड, यू नो, एंड इट टॉक टू यू, सॉर्ट ऑफ इट विल बी कनेक्टेड टू यू इन अ वे. सो जो जो भी नई गाड़ियां आ रही है उसमें ना केवल बैटरी पे फोकस किया गया और डिजाइन पे, बट इवन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया उसको भी फर्दर एनहांस किया गया है ऑन दिस व्हीकल. अब जरा आप अगर फ्रंट देखेंगे ना गाड़ी का ऑफ द सीट्स, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी. सो जब आप इसके सीट्स देखोगे आप नोटिस करोगे कि ये बहुत ही नया स्टाइल का कॉन्टोर दिया हुआ है, एंड जो व्हाइट एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है दैट लुक्स वेरी गुड. उसी के साथ अगर आप सेंटर कंसोल देखते हो गाड़ी का, आप नोटिस करोगे कि नीचे गैप है इसके, विच मीन्स यू हैव स्पेस टू कीप मोर थिंग्स. एंड बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो इस वजह से काफी जगह फ्री अप हो जाती है फॉर प्रैक्टिकलिटी पर्पसेस एज वेल. अब आपके और बहुत सवाल आएंगे, क्या ये गाड़ी पेट्रोल में डीजल में आने वाली है या नहीं? तो उसका जवाब है फिलहाल के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रिक अवतार में आने वाला है. 2025 में आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. क्या प्राइस पॉइंट रहेगा बताना थोड़ा मुश्किल है राइट नाउ, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है 16 से 20 या 25 के बीच में इसकी प्राइस बैठनी चाहिए. 550 के आसपास इसका रेंज होना चाहिए इन रियल लाइफ कंडीशंस. अब क्योंकि ये जेन 2 है तो 500 मैं हायर एंड पे बता रहा हूँ, बट रियल लाइफ 450 टू 500 होना चाहिए. और कुछ अगर आपको इसके बारे में जानना है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल, और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सारी आपके सामने रख दी है. मतलब इसके अलावा कुछ है नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर करने को. अब अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, 2025 का तो टाइम है, आपको आज गाड़ी लेनी है, तो आप रियली कंफ्यूज है कि मैं ये लूँ वो लूँ, बहुत ऑप्शन है मार्केट में, तो आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो. ऐसी सर्विस आपको कोई नहीं देता, और जिनसे आप बात करते हो ना वो एक्सपर्ट्स है, उन्होंने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की है, वो आपको बताएंगे आपके लिए सही गाड़ी कौन सी है. क्या करना है, motoroctane.com/car-consultancy पे जाइए, वहां जाके अपने को डिटेल्स भी भर दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइमिंग. नाउ इजंट दैट वेरी सिंपल. वैसे आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम आपको वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपको सब पता चल जाता है. तो अगर आपने हमारे सारे वीडियोस नहीं देखे मैं आपको बोलूंगा जाके सारे वीडियोस देख लो, खास करके महा कंपैरिजन जहां हमने सारे सेगमेंट की गाड़ियां कंपेयर की, एक सेगमेंट में सारी गाड़ियां कंपेयर की है और इतने टेस्ट की जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी. सो सब्सक्राइब एंड सर्च मोटरऑक्टेन कंटेंट जब आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो. तो अगर आप हैरियर सर्च कर रहे हो सर्च हैरियर स्पेस मोटरऑक्टेन, अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो 700 तो सर्च XUV700 स्पेस मोटरऑक्टेन, और आपको हमारे डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, बाय.